चीता कितना भी तेज भागता हो, लेकिन राजा महाराजा जो होते थे वो हमेशा हाथी की सवारी करते थे। आपने कभी गौर फरमाया कि ऐसा क्यों होता था? कभी इस पे विचार करिए कि तेज तो चीता भागता है, तो राजा लोग जो है चीता की सवारी क्यों नहीं करते थे, वो हाथी की सवारी करते थे। और बहुत सारे अच्छे जो बड़े राजा का आपने नाम सुना होगा, वो घोड़े को भी सवारी नहीं करते थे, वो हाथी की सवारी करते थे। घोड़े भी तेज भागते, और चीता की तो बिल्कुल नहीं करते। समझिए इसके पीछे कारण। कारण ये है कि चीता आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर आप हाथी पे बैठे हो तो कोई और भी आप तक आसानी से नहीं पहुंच पाए। यही पूरी रणनीति जो है स्टॉक मार्केट में होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र त्रिपाठी है, मैं आपका एडवोकेट के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको दो स्टॉक्स बताऊंगा, एक में जो हो चुका है, दूसरे में वो होने वाला है। ये बताने से पहले मैं आपको एकदम डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ। सेबी नाम के हिसाब से मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं केवल एक एजुकेटर हूँ। मेरा काम केवल पढ़ाना है, मैं केवल पढ़ाता हूँ, मैं कभी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे इस परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद करें। मैं आपको रिलायंस का चार्ट दिखा रहा हूँ। आज रिलायंस करीब 7% इंक्रीज हुआ है। हर किसी को आज रिलायंस चाहिए, लेकिन अगर आप इस रिलायंस के चार्ट को देखेंगे, ये वो हाथी है जो 2021 अक्टूबर 2021 को इसने एक हाई बनाया था, करीब करीब 2500 रुपये का था। वहां से लो हाई लो हाई लो हाई लो ऐसे करता रहा, और अभी जो है दिसंबर 2023 डेट को याद रखिए, अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर 2 साल से ज्यादा ये उसी रेंज में ऊपर नीचे करता रहा। सबको लगा कि ये तो नहीं चलेगा, बेकार है। मैं कहता हूं ये एक हाथी है। हाथी पे बैठना कब है, बस आपको बस इतना ध्यान रखना है, जब हाथी झुक जाए तो उसके ऊपर बैठना है। तने हुए हाथी पे बैठने की कोशिश करेंगे तो आप गिर सकते हैं। ये एक सिंपल सा लॉजिक है। हाथी यहां पर बैठा, हाथी यहां पर बैठा, हाथी यहां पर बैठा, हाथी यहां पर बैठा। हाथी ने कई बार आपसे कहा कि महाराज मैं झुक चुका हूं, आप आइए और मेरे ऊपर बैठ जाइए। अगर आप समय पे हाथी पे बैठ जाते तो आप विजुलाइज करिए, यहाँ बैठ गए होते, कोई 2000 के आसपास नहीं बैठ रहे, 2300 के आसपास बैठ जाते, 2300 से 2800। इस रिटर्न को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, खराब रिटर्न नहीं है। आपको दूसरों से प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी आपका रिस्क जो है ना के बराबर है। आप खूब रिस्क लेके अपने पैसे को डबल कर रहे, वो उसमें कोई बहादुरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका एक स्टॉक में वो डबल हुआ है तो किसी न किसी दूसरे स्टॉक में आपका आधा जरूर हुआ होगा, अगर आपकी वही स्ट्रेटेजी है तो। लेकिन हाथी पर है तो हाथी आपको 15, 16, 17, 18% का ही एवरेज रिटर्न देगा, मे बी 12, 13, 14 ही दे, लेकिन आपको रिस्क से बचाएगा। हाथी के ऊपर है ना आप, तो दूसरा कोई हाथी के ऊपर तक आपका पहुंच नहीं पाएगा। ये हाथी की इम्पोर्टेंस होती है। अब आप विजुलाइज करें कि आपने यहाँ कहीं स्टॉक को खरीदा होता, फिर ऊपर गया, ट्रेड किया, ठीक है, नहीं किया, रखे हुए थे, फिर नीचे आया, फिर खरीदा होता। मैं मान के चलता हूँ आपको 2000 का, 2200 का, 2300 का भी एवरेज होता, आज ये 2900 हो गया, करीब करीब 600 रुपये, 20% हो गया। प्लस इसमें से आपको एक जियो फाइनेंस का 200 का शेयर और मिल गया, तो करीब करीब 10% वो हो गया, 40% 2 साल में क्या खराब? क्यों रिस्क लेना है, क्यों पंगे लेने? इस रिस्क, इस पंगे के चक्कर में हम अपने पोर्टफोलियो, हो सकता है कोई स्टॉक आपका 4 गुना हो गया हो इस बीच में,
मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैं वैसे स्टॉक में जाता ही नहीं, लेकिन मेरे हर स्टॉक अगर 20% 18% का एवरेज रिटर्न देने लगे, मेरे बहुत है। मेरे पास ऐसा कोई स्टॉक है ही नहीं जिसको मैं दिखाऊं कि देखो जी मैंने आपका ये स्टॉक लिया था, ये 5 गुना हो गया, क्योंकि मैं 5 गुना होने वाले स्टॉक को बाई नहीं करता हूं। मैं स्टॉक बाय करता हूं वो जो कि आराम से धीरे 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 चलेगा, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा, प्लस मेरे को रिस्क से भी बचाएगा, क्योंकि तो प्रायोरिटी मेरी मेरे कैपिटल की सेविंग, मेरे कैपिटल का रिस्क को मैनेज करना है। सेकंड थिंग है मेरा ग्रोथ, मैं ग्रोथ के लिए अपने कैपिटल को उतने रिस्क पे नहीं लगाता। आप लगा सकते हैं, आप अगर आपके पास है रिस्क, हर इंसान को अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करने का आजादी है। दिक्कत क्या होती है, हम 4 गुना करना चाहते हैं लेकिन 1/4 के लिए तैयार नहीं होते। हमें उन स्टॉक्स में से वही वाले चाहिए जो 4 गुना होंगे, ऐसी कोई थियरी आज तक तो डेवलप नहीं हुई। चलिए अब ये तो मैंने आपको पास्ट दिखा दिया, ऐसा हुआ। अच्छा स्टॉक दुनिया कहेगी नहीं चलेगा, टीवी पे नाम भी नहीं आता इसका, आप पिछले 2 साल से उठा के देखेंगे नाम नहीं, आज बहुत नाम आ गया, 7% बढ़ गया। मैं दूसरे स्टॉक पे जाता हूं जिसमें ऐसा हो रहा है, फिर वो एक हाथी, फिर वो आपको झुक के मौका देता है, आइए बैठ जाइए, आइए बैठ जाइए। लोग कहेंगे हाथी से दूर रहिए, मैं कहूंगा जब जब हाथी झुके आप उस पर बैठ जाइए, तने हुए हाथी से दूर रहिए, नो डाउट, जब वो झुका तो आप उस पर बैठिए, वो तनेगा चलेगा और आपके मंजिल तक आपको पहुंचाएगा, ये हाथी की खूबी होती है। चलिए मैं दूसरे स्टॉक पे जाता हूँ, जाने से पहले दोबारा रिमाइंड करता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बिकॉज मैं अथोराइज नहीं हूँ, हो सकता है मेरे पोर्टफोलियो में हो, मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट हो, इसलिए मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। HDFC बैंक, इस हाथी को भी देखिए, ये हाथी नहीं चल रहा, वैसे ही है जैसे आपने अभी रिलायंस को देखा था, वैसे ही ये कुछ उसी बीच में ऐसी चल रहा है। डेट लगभग लगभग आपको वही मिलेगी, वही अक्टूबर 2021 वाली डेट आपको मिलेगी, वही अक्टूबर 2021 जो आपने देखा था रिलायंस में, वहीं पे इसने भी टॉप बनाया, नीचे आया ऊपर आया नीचे आया ऊपर आया नीचे आया ऊपर आया नीचे आया ऊपर आया फिर नीचे आया ऊपर, पता नहीं हाथी झुका है या हाथी काम का नहीं है, मुझे नहीं पता। मेरी थ्योरी कहती है हाथी बहुत काम के होते हैं, ये हमारे राजा महाराजा लोगों ने अपने समय में हमें प्रूफ करके दिखाया है, वो हमेशा हाथी की सवारी करते थे, और ये भागने वाले घोड़े वोड़ों की सवारी जो करते थे, छोटे छोटे जो सैनिक थे वो करते थे, वो बीच में मरमरा जाते थे, जीत के भी आते थे तो उनका किसी को नाम भी नहीं पता होता था। तो अगर राजा की तरफ बिहेव करना है तो हाथी की सवारी करिए, अच्छे स्टॉक को अच्छे रेट पे खरीदिए, धीरे धीरे चलेगा लेकिन आपको अपनी मंजिल पे पहुंचाएगा। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हाथी पे बैठे हैं तो कोई आप तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी रिस्क आपका बहुत कम होगा। इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत तभी आती है आप चीता की सवारी करना चाहते हैं। चीता की सवारी करेंगे तो तेज तो भागेगा लेकिन कहीं चीता खुद ही आपको ना खा जाए, किसी और से बचाने की तो बात ही बात है, क्या चीता खुद भी आपको खा सकता है? उस रिस्क को लेने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आपको चीता की तैयारी करनी चाहिए, चीता की सवारी करनी चाहिए, और उस सवारी की तैयारी करिए, आप पैसा वहां लगाइए। मैं उतना रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं एक सर्विस क्लास का पर्सन हूँ, मेरे पैसे बहुत मेहनत से कमाए हुए हैं, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे रातों रात अमीर बनने का कोई शौक नहीं। आई होप मैं अपने मैसेज को आप लोगों तक पहुंचा पाया, अगर ये मैसेज आप तक ठीक से पहुंच पाया तो कोशिश करिए इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कैसे, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए,
दोस्तों को बोलिए सीख के शेयर मार्केट करेंगे तो खुश रहेंगे, अदरवाइज हमेशा परेशान रहेंगे। ये छोटा कहते हैं छोटा लालच बड़ा लालच, बड़ा लालच हमें हमेशा नुकसान करता है, उसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। धन्यवाद।